नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। धमतरी पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर वार किया। राहुल गांधी भूपेश बघेल पर निशाना। उन्होंने साधा अपने वादों को, 5 साल में भूल गए कांग्रेसी। इनसे पूछिए 5 सालों में क्या क्या किया। 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने डिप्टी सीएम ने कई सारे वार किए। आ रहे हैं तो इनसे सवाल पूछना, 5 साल पहले जो जो कहा था उसमें से क्या किया बताइए। बताइए आपने क्या किया, ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। और पाटन से अब जोगी भी मैदान में हैं। अमित जोगी ने पाटन से नामांकन भरा है। भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पाटन विधानसभा में अब त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी से विजय बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। अमित जोगी ने पाटन विधानसभा से अपना नामांकन भरा है, तो यहां पर अब त्रिकोणीय लड़ाई नजर आएगी। पाटन विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आने वाला है। अमित जोगी ने पाटन से नामांकन फॉर्म फिल कर दिया है। भूपेश बघेल भी यहां से मैदान में हैं। बघेल फिर से जो यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। पाटन विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर से इस बार देखने को मिलेगा। 23 सालों में पाटन में चुनाव होने वाला है। अभी तक तो चाचा भतीजा के बीच में मैच फिक्सिंग चलती रही। अब चुनाव होगा और इस चुनाव में अमित जोगी केवल एक चेहरा है। चुनाव लड़ने वाले जो पाटनवासी हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित, परिवारवाद से पीड़ित, शराबखोरी से पीड़ित, सट्टाबाजी से पीड़ित जो पाटनवासी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जीत पाटनवासियों की होगी। अगर मुझको थोड़ा भी डाउट होता, थोड़ा भी संशय होता तो मैं किसी और सीट पे चले जाता, 2 सीटों से लड़ता, पर आज मैं केवल और केवल पाटन से लड़ रहा हूं, ये दिखाने के लिए, लोगों को ये साबित करने के लिए कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में मैच फिक्सिंग हो चुकी है। जनता अब समझ चुकी है कि दोनों पार्टियां, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। जब वो छत्तीसगढ़ को देखते हैं उनको अपना कमीशन दिखता है, मुझे अपना मिशन और विजन दिख रहा है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की बात करते हैं। जेसीसीजे के तीनों प्रत्याशी नामांकन भरा है। अकलतरा प्रत्याशी ऋचा जोगी का नामांकन भरा गया। पामगढ़ प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन ने भी नामांकन भरा। जांजगीर चांपा से रविंद्र द्विवेदी ने नामांकन पर्चा भरा है। रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया गया है। और खैरागढ़ में प्रियंका गांधी ने 8 बड़ी घोषणाएं की हैं। छत्तीसगढ़ महतारी न्याय योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा और महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ किया जाएगा। महिलाओं के सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण भी माफ किए जाएंगे। प्रियंका ने जाल बांधा में आयोजित सभा में ऐलान किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित किया और कहा कि 1 नवंबर से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी होगी। सरकार बनते ही हम किसानों का कर्ज भी माफ करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हमारे ऐलान से बीजेपी वालों को दर्द हो रहा है। साथ ही कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 17.5 लाख किसानों को आवास देंगे। महुआ, इमली और आमचूर के समर्थन मूल्य में 10% वृद्धि होगी। लोगों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मानसिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है,
उनका बिजली बिल पूरी पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1,000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6,000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। प्रियंका जी घोषणा करी कि 17.5 लाख परिवार ला आवास देबो। तीसरा तेंदू पत्ता जन संग्राहक है वो मतलब 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से हमन खरीदी करथन, वो परिवार ला साल में एक बार वो तेंदू पत्ता पैसा पावे करी 4,000 रूपये और देवो गरीब मन के खाता में डालबो। जेने महुआ है, इमली है, अमचूर है, एकर मन के समर्थन मूल्य 10 रूपया वृद्धि करबो। और जन डॉक्टर खूब जन बघेल स्वास्थ्य योजना है, पहले 5 लाख रूपये री से अब वह 10 लाख रूपया हो, 10 लाख तक के फ्री में इलाज हुई और विशेष सहायता मुख्यमंत्री विशेष सहायता में तो 25 लाख तक। और एक साथ साथ हमरो गरीब घर के लड़का मन, किसान घर के लड़का मन शहर में गांव में रही थे, लेकिन काकरो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाते, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाते, फीस अतेक रही थे उन भर नहीं पाए, लड़का मन पढ़ नहीं सका है। और दिन राहुल जी घोषणा करीस कि चाहे वो डिप्लोमा करे, आईटीआई करे, चाहे इंजीनियरिंग करे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज पढ़े, जत का शासकीय कॉलेज है ते सब फीस माफ होई, ट्यूशन फीस एडमिशन फीस सब माफ, मतलब केजी टू पीजी फ्री में शिक्षा पूरा देश में पहला, पूरा देश में पहला, कोई सरकार ऐसा नहीं करे। लेकिन हमार सरकार बनी तो लड़का मतलब पढ़ाई में एक पैसा नहीं ला। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने दाखिल किया शपथ पत्र, संपत्ति को लेकर भी शपथ पत्र दाखिल किया। सीएम बघेल के पास 10 तोला सोना, 2 किलो चांदी, पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के पास 40 तोला सोना, सीएम के खाते में 56,03,923 रुपए, पत्नी के अकाउंट में 1,38,15,326 रुपए। बलरामपुर से बड़ी खबर की हम बात करेंगे। निरहुआ पहुंचे हैं बलरामपुर, आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव पहुंचे बलरामपुर, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बलरामपुर पहुंचे हैं। निरहुआ पहुंचे बलरामपुर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव बलरामपुर पहुंचे हैं, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद रहे, ये तस्वीरें आपके सामने। जसपुर जाते जाते बलरामपुर आया हूँ, जसपुर के चुनाव अभियान में नॉमिनेशन की रैली में सम्मिलित होने के लिए, और पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करने के बाद समझ में आ गया छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, अब कहीं कोई शंका नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर।
बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्या वे छत्तीसगढ़ का अपराध मॉडल पूरे देश में थोपेंगे। साथ ही कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के इस मॉडल पर क्या कहेंगी। लगातार जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं तो वो ये बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में लागू करेंगे, तो क्या पूरे देश में हत्याओं की सीरीज चलेगी, क्या आत्महत्याओं की घटनाएं लगातार होंगी, क्या चाकूबाजी और नशाखोरी अब देश का एक एक बच्चा करेगा, ऐसा कांग्रेस का ख्याल है क्या। वो छत्तीसगढ़ मॉडल को जहां उनकी सरकारें हैं वहां लोगों को अपराध के लिए नशे के लिए प्रेरित करने वाले हैं क्या। राहुल जी ये सब आप पेपर में नहीं पढ़ते, और आप पढ़ते भी है तो आप प्रियंका जी से ट्वीट नहीं कर पाती कि लड़की हूं लड़ सकती हूं और प्रसव करने वाली माताओं के बच्चों को सुरक्षित रख सकती हूं, शायद आप ट्वीट नहीं करती इसलिए आप भूल जाती हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ के लिए भी इन बातों को, दुख भरी बातों को ट्वीट करना सीखिए, ताकि आप भविष्य में जब आए तो ये ना कहे ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, आपके चेहरे पर दुख की लकीर और चिंता के भाव। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रायगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। इस जनसभा में रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी ने रायगढ़ शहर में एक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और इस रैली में केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के चारों प्रत्याशी मौजूद रहे। परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर देख पा रहा हूं। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया था, पिछले 5 साल में कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, छत्तीसगढ़ की संसाधनों को लूटा है, छत्तीसगढ़ियों के साथ धोखा किया है, इसीलिए जनता में भारी आक्रोश है। रायगढ़ जिले की चारों की चार सीट, मैं छत्तीसगढ़ को भली भांति जानता हूँ, पड़ोसी ओडिशा का रहने वाला हूं और लंबे समय छत्तीसगढ़ की राजनीतिक कामों से जुड़ा हूं। मेरा पूरा भरोसा है जिस प्रकार की जनता में आक्रोश है, जिस प्रकार की नौजवानों में उत्साह है, विशेष करके वंचित वर्गों में, गरीबों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, दलितों में, यह स्पष्ट दिख रहा है हम परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता यही नारा दे रहा है, आओ नए सोहबो बदल के रह। रायपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। चुनाव नहीं लड़ेंगे गुरमुख सिंह होरा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, निर्णय लिया था, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद यह फैसला उन्होंने लिया है। धमतरी से